हेलो स्टूडेंट आज हम परम्यूटेशन का 2020 का बड़ा ही इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। देखो बेटा दिस टर्म इज 2 into 1p0, 3 into 2p1, 4 into 3p2 up to 51 टर्म्स करना है, प्लस बेटा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल up to so on 51 टर्म्स के लिए हमने क्वेश्चन। बेटा वन बेसिक टर्म सबसे पहले देखोगे आप NPR। बेटा मीनिंग ऑफ NPR इज n factorial upon n minus r factorial। बेटा बेसिक फॉर्मूला फॉर टर्म इज NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। बेटा एक इस टर्म का यूज करोगे आप हर टर्म में, NPR equal to n factorial upon n minus r factorial, and बेटा अदर टर्म आप यूज करोगे। अगर देखो बेटा 5 फैक्टोरियल है देन पॉसिबल है लिखना 5 into 4 फैक्टोरियल। बेटा अगर 6 फैक्टोरियल है देन पॉसिबल है लिखना 6 into 5 फैक्टोरियल। बेटा अगर आपके पास नंबर आ जाए 3 into 2 फैक्टोरियल मीन्स आप क्या लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल। 4 into 3 फैक्टोरियल मीन्स बेटा यूज करोगे आप 4 फैक्टोरियल। 4 into 3 फैक्टोरियल बेटा यूज करोगे 4 फैक्टोरियल। देखो बेटा इस टर्म्स का यूज करोगे आप NPR। फर्स्ट टर्म बेटा आप यूज करोगे फॉर्मूला NPR। देखो बेटा जो क्वेश्चन टर्म्स है बेटा फर्स्ट टर्म लिखो 2 into 1p0 मीन्स 1 factorial upon 1 minus 0 factorial, n factorial upon n minus r factorial। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बेटा 3 into 2p1 मीन्स बेटा 2 factorial upon 2 minus 1 factorial। नेक्स्ट टर्म है बेटा 4 into 3p2 मीन्स 3 factorial upon 3 minus 2 factorial up to so on 51 टर्म्स। देखो बेटा फर्स्ट टर्म है देन 1p1 है, सेकंड टर्म है देन 2p1 है, थर्ड टर्म है देन 3p2 है। जो भी नंबर है सेम टर्म आ जाएगी। अगर बेटा 51 टर्म है नेक्स्ट नंबर मींस 51 टर्म मींस 52 into 51p। देखो बेटा नंबर बन जाएगा दिस टर्म इज इक्वल टू 51p50 दैट इज इक्वल टू 51 factorial upon 51 minus 50 factorial। बेटा चेक करो टर्म्स। देखो बेटा अगर फर्स्ट टर्म है दैट इज 1p1 into 2 into 1p0, 3 into 2p1, 4 into 3p2। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा 5 into 4p3। सिमिलरली अप टू सो ऑन बेटा 51 टर्म मीन्स 52 into 51 factorial upon 51 minus 50 factorial बन जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट टर्म है बेटा प्लस जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, बेटा जो पिछली टर्म्स हैं अप टू 51 टर्म्स बेटा नेक्स्ट टर्म्स हैं आपके पास। नाउ चेक करो बेटा फर्स्ट टर्म इज 2 into 1 factorial upon 1 हो जाएगा बेटा नीचे, माइनस नेक्स्ट टर्म है बेटा माइनस 3 into 2 factorial अपॉन डिनोमिनेटर बेटा 1 factorial मीन्स 1। नेक्स्ट टर्म बेटा 4 into 3 factorial, 4 into 3 factorial, बेटा अप टू सो ऑन लास्ट टर्म 52 into 51 factorial। बेटा डिनोमिनेटर हर केस में 1 हो जाएगा बेटा। प्लस बेटा सेकंड टर्म्स हैं जो आपके पास हैं 1 factorial माइनस बेटा 1 factorial माइनस 2 factorial है, 1 factorial माइनस 2 factorial प्लस 3 factorial अप टू सो ऑन 51 टर्म्स। बेटा 2 into 1 factorial means 2 into 1 factorial means 2 factorial, 3 into 2 factorial means बेटा 3 factorial, 4 into 3 factorial means बेटा 4 factorial up to so on this number is बेटा 52 factorial plus 1 factorial first term, 1 factorial second term, 2 factorial third term, 3 factorial up to so on 51 term is plus 51 factorial। बेटा देखो सारी इवन टर्म्स मतलब 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बाय -2 फैक्टोरियल, -3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बेटा इस तरफ हो जाएगा -4 फैक्टोरियल मतलब कैंसिल हो जाएगा। अप टू सो ऑन बेटा 51 फैक्टोरियल तक कैंसिल हो जाएगी बेटा टर्म्स, बिकॉज इससे पिछली टर्म बेटा आपके पास 51 फैक्टोरियल आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बेटा जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचेगा 52 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मींस 1 हो जाएगा बेटा मींस सी ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बेटा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट।